जो है वो सीखने में बड़ा वक्त लगता है। जब मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुश्ती जो है वो सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, वो दिमाग का खेल है, स्ट्रेटजी का खेल है। अच्छे पहलवान को बहुत ही इंटेलिजेंट होना है, बहुत ही शार्प होना है। आमिर जी को जब देखा मैट के ऊपर, उनमें बहुत ज्यादा किचिंग पावर है, ताकत उनमें बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका वजन बढ़ गया लेकिन ताकत कम नहीं थी, ताकत बरकरार थी। तो ताकत के साथ टेक्निक लगाने में मस्टरी नहीं थी, लेकिन वो एक दो बार करने में ही उस पोजीशन में पहुंच जाते थे। मेरी मूवमेंट स्लो थी, जो कि बहुत अच्छा लगता है फिल्म के अंदर कि एक जमाने में ये इतना फास्ट था, और अब जब इसकी उम्र हो चुकी है तो उसकी मूवमेंट्स भी चेंज हो गई है, वो इतना तेज इतना फुर्तीला नहीं रहा। वेट रिड्यूस करने के बाद भी बहुत बड़ी चुनौती थी, क्यों? क्योंकि वजन कम करना और फिर रेसलिंग करते रहना, उसमें चोट ज्यादा लगती है। इट्स अ टफ गेम, बहुत ही टफ गेम है। आपकी बॉडी जो है वो बीटिंग से बीटिंग परफेक्ट दिलाई होती है। रोज ट्रेनिंग प्रोग्राम कुश्ती, रोज ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। वीडियो एनालिसिस करते थे, उनसे कमियां पकड़ते थे कि क्या मोमेंट रहा, किस मोमेंट से मारना, सर्कल पोजीशन में किस तरह पकड़ना, कमर कैसी रखनी। इसमें आपकी फोटो है मेरे पास, हाँ, उससे काफी मदद मिलेगी, काफी नीचे होगी, मैं जब तक ढूंढता हूँ। हाँ, आप नीचे हो जब तक हम लोग उतना अच्छा कर लेंगे कि आप फिर ये फोटो डालें। और एक ही टेक में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया हर टेक्निक का कि मेरे पास गलतियां निकालने का कोई मौका नहीं रहा। माँ के पेट से मरघट तक